चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। फिलहाल हम सात नंबर के विषय में बात करेगा और उसमें जो नेक्स्ट आ रहा था प्रिंसिपल के बाद वो एज मुखर था, डिवेंसी क्वांटम संख्या थी। डिवेंसी क्वांटम संख्या पुनः हम रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, बता दे रहे हैं एक्सप्लेन कि सब एनर्जी लेवल, सब सेल, एंगुलर मोमेंटम और शेप ऑफ द ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट करता है। शेप ऑफ द ऑर्बिटल्स में आप अभी आसानी से और बहुत बढ़िया ध्यान दें दे लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि अभी अगली क्वेश्चन आएगी तो वहाँ पास करेंगे। अभी मैं बता दे रहा हूँ ग्राफिक्स में। अब ये शेप ऑफ द ऑर्बिटल में अगर एल इज इक्वल टू रिप्रेजेंट आर आर जीरो वन टू थ्री, तो जीरो जो होगा वो यस के लिए होगा। यस ऑर्बिटल जो स्फेरिकल था उसको डिजिट में ला करके क्या दे दिया गया, जीरो नंबर दिया। जो एनालॉग था, बॉल था, वो बॉल वो उसको कंप्यूटर के भाषा में कह लीजिए जीरो नंबर दिया गया डिजिट में। डिजिटलाइजेशन हो रहा है, पी यानी यहाँ पी ऑर्बिटल है उसके लिए हम वन सिंबल यूज कर रहे हैं डिजिट में, यस पी। फिर आ गया आपका डी एंड देन यफ, क्या मतलब इसके आगे संभव है क्या नहीं, संभव है यस पी डी यफ जी एच आई बट नॉट जे, ध्यान रखेंगे जे नहीं है जे, वाई नॉट जे, जे से आपका जे जे कपलिंग आएगी अभी वो थोड़ा हायर केमिस्ट्री में पहुंचेंगे, तो जे जे कपलिंग, एल एस कपलिंग, तो ये कपलिंग के कारण उधर की वैल्यू एक्सप्लेनेशन आपको नहीं यहाँ करना है। फिलहाल यस पी डी और यफ पे ही हमारे पूरा जितने एलिमेंट्स हैं वो वैल्यू से आप खत्म हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। यस स्टैंड फॉर स्फेरिकल इन नेचर, एक बार और बोलते ताकि सभी लोग जाने, पी पार बोलो सही बोल, डंबल नहीं हो सकता डी हो जाता, पर प्रिंसिपल आपके रिक्वायरमेंट का आगे अभी इस क्वांटम नंबर से हम वो सेफ नहीं देंगे। डी फॉर डिफ्यूज, यह फॉर फंडामेंटल, यस पी डी है यह, याद रखें यस स्टैंड फॉर स्फेरिकल, पी फॉर प्रिंसिपल, डी फॉर डिफ्यूज, यह फॉर फंडामेंटल्स एंड दैट इज द एज मुखर क्वांटम नंबर। पुनः हम रिपीट कर रहे हैं और एंगुलर मोमेंटम देख लें यहाँ से, एंगुलर मोमेंट मोमेंटम इज द वेक्टर और स्केलर वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटी दैट इज दिस इक्वल टू यल यल प्लस वन, हम यहाँ सीधे बी एम लिख दे रहे हैं वो और मैंने कहा। अब हमारे लिए प्रॉब्लम्स ये बताएं कि व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द यस ऑर्बिटल।